आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम्हें पता है आज खुशी ने मुझे माँ कह के पुकारा। माँ? क्या? हाँ हाँ, माँ कह के बुलाया। सुहाना, तुम्हारा पेज ढीला हो गया क्या? क्या हुआ? ईशान भाई ने वही कहा ना? Just shut up! उसने मुझे माँ कह के बुलाया। शिलजा, क्या मैं इंदर और पन्ना से एक बार मिल सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं चाहती कि उनकी शांत जिंदगी में किसी तरह का तूफान आए। देखो, उन्हें उनकी दुनिया में छोड़ दो। वो भी इतनी नफरत करते हैं मुझसे। पेज थोड़ा सा ढीला है तो छोटी माँ ने मुझे मारा था। पेज मतलब जिसे आप स्क्रू कहती हैं। मेरा स्क्रू ढीला? How dare you? तेरा मतलब मैं पागल हूँ? भाभी, अच्छा ठीक है, आप ना गई सब गली में चल गई और चल के यही गई कि खुशी ने आपको माँ कहा है, तो मैं देखती हूँ कि 100 में से 100 लोग वही कहने वाले, देख लीजिएगा। अरे वो 2 महीने की छोटी सी बच्ची है, वो माँ कैसे कहेगी? वो तो भी कुछ बोल। That's the point, मीना कुमारी, that's the point. खुशी को उठा के कौन लाया था? मैं, सुहाना कश्यप। सुहाना कश्यप की बेटी 2 महीने में ही बोलने लगी। तो वो मेरे, मैं अभी ईशान को कॉल करके बताती हूँ। भाभी, ईशान भाई भी वही कहेंगे। क्या? आपका ईशान, guess what? हाँ सोना, बोलो। आज क्या मिराकल हुआ है? सोना क्या है, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। सोना, I love you मैं टाइप कर चुका हूँ, SMS कर दूंगा, वो भी 10 बार, ठीक है? I don't care about your I love you ईशान, तुम्हें पता है आज खुशी ने मुझे माँ कह के पुकारा। माँ? क्या? हाँ हाँ, माँ कह के बुलाया। सोना, तुम्हारा पेज ढीला हो गया क्या? क्या हुआ? ईशान भाई ने वही कहा ना? Just shut up! उसने मुझे माँ कह के बुलाया। तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है? तो दिशा दीदी से जाके पूछ लो, उन्होंने भी सुना था। अच्छा, उनका भी पेज ढीला हो गया है। सोना सुनो, तुम खुशी को उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज, वरना पता चला तुम्हारा असर खुशी पे पड़ गया। ईशान, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। छोटी भाभी, क्या हुआ? क्या कहा ईशान भाई ने? अब कब लेके जा रहे हैं आपको डॉक्टर के पास? मीना की बाजी लोग तो भाभी। अच्छा, शुक्र है भगवान का कि सिर्फ मलेरिया निकला, वरना पता नहीं दिल्ली शहर में कौन सी बीमारियां फैल गई। पर ये दवाइयों का कोर्स जरूर पूरा करना तुम। इंदर और पन्ना जानते हैं मेरे बारे में? नहीं, नहीं पता। वो जानते हैं तुम यहां हो? कौन? तुम्हारे परिवार वाले। ओह, यू मीन यूएस में? अगर उन्हें पता चल भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बच्चों को भी नहीं? मेरे बच्चे सिर्फ उनकी माँ के हैं। वो क्या है ना कि मैं जिंदगी भर सबसे अजनबी रहा, इसलिए मैं जीऊं या मरूं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, वो सक्सेना जी अपने घर से खिचड़ी बनवा के लाएंगे। अच्छे आदमी हैं सक्सेना जी, वरना आजकल इतना ख्याल कौन रखता है किसी का। शैलजा, क्या मैं इंदर और पन्ना से एक बार मिल सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम कोशिश भी मत करना। शैलजा, मैं सिर्फ एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। नहीं, मैं नहीं चाहती कि उनकी शांत जिंदगी में किसी तरह का तूफान आए। देखो, उन्हें उनकी दुनिया में छोड़ दो। वो भी इतनी नफरत करते हैं मुझसे? मैंने अपने बच्चों को नफरत करना नहीं सिखाया, पर क्या है ना, परसों से पापा नहीं कहा, इसलिए इस शब्द से अपरिचित हो चुके हैं। तुम अब ठीक हो तो मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। माँ ने तुम्हारे लिए तिल के लड्डू भेजे हैं, जरूर खाना। अपना ख्याल रखना। ईश्वर भाई साहब, बहन जी को बहुत चिंता है आपकी, पर ये है कौन? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।